आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं कन्हैया कुमार। आप सब जानते हैं कन्हैया कुमार इस समय देश के युवाओं के बहुत चहेते हरदिल अजीज साथी और नेता हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के संभावना संस्थान में मौजूद हैं और कन्हैया कुमार वहां आए हुए हैं, तो आपका यहां कैसे आना हुआ? यहां हम लोग एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आए हैं और वर्कशॉप इस मुद्दे पे है कि देश में जो राजनीतिक हालात हैं, जिस तरीके से संविधान की प्रस्तावना के जो मूलभूत शब्द हैं जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, गणराज्य, लोकतंत्र, इनके ऊपर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से जातिवाद, सांप्रदायिकता और इन सब के पीछे जो एक आर्थिक लूट हो रही है, रोज जो खबर आती है कि आज इस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को बेच दिया गया, कल उस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को बेच दिया गया, तो यह जो लोगों के अधिकार हैं उनको जिस तरीके से छीना जा रहा है, देश की जो संपदा है उसको निजी हाथों में बेचा जा रहा है, और इसको छुपाने के लिए लोगों को जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, उसमें जो उलझाया जा रहा है, इससे देश को कैसे निकाला जाए। एक जमाना था 47 से पहले जब देश अंग्रेजों का गुलाम था और देश के सभी लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, सब इकट्ठा हुए, सब साथ आए, मजदूर, किसान, महिला, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, मिडिल क्लास, अमीर लोग, गरीब लोग, सब तरह के लोग शामिल हुए और उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। आज फिर से देश में वो परिस्थिति पैदा हो रही है कि हमारे ही देश के लोग जो हमारे ही बीच रहते हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं, हाथ में तिरंगा लेकर के अपने आप को राष्ट्रवादी भी कहते हैं, लेकिन जो राष्ट्र के लोग हैं, देश चूंकि देश के लोगों से बनता है, उनके हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, नौजवान बेरोजगारी से तबाह हैं, इकॉनमी लगातार जो है वो कमजोर हो रही है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, और देश की संपदा को, देश की संपत्ति को मुट्ठी भर लोगों के हाथों में गिरवी रख दिया गया है, उसको बेचा जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यह जो तकलीफ की परिस्थिति है इसके अलावे जीवन में लोगों की खुशियाँ नहीं हैं। खुशियाँ हैं, अपने तरीके से लोग उत्सव भी मनाते हैं, लोग दुर्गा पूजा भी करते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, मुहर्रम भी मनाते हैं, लोग जो है क्रिसमस भी मनाते हैं, लोग जो है गुरु नानक देव जी को भी याद कर रहे हैं, गांधी जी की भी 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आप जब समाज का मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि देश एक निराशा में, नौजवान एक निराशा में है, वो एक दिशा ढूंढ रहा है, वो अपने जीवन का एक मूल्य ढूंढ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पे एक समग्र चर्चा करने के लिए 3 दिन का एक वर्कशॉप आयोजित किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, इंटेलेक्चुअल, हर तरह के लोग यहाँ आए थे, और इसी वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए मैं यहाँ आया। इसके अलावे थोड़ा प्रकृति के पास होना, स्वच्छ हवा होना, नदियों के नज़दीक जाना, और ये जो खूबसूरत पहाड़ हैं, ये जो वादियां हैं, ये भी अपनी तरफ लोगों को खींचता है, तो इन दोनों पर्पस की वजह से आज मैं यहाँ इस इंस्टीट्यूट में हूँ, और बड़ा सौभाग्य है कि आपसे बातचीत हो रही है। हालांकि आपने अब इंट्रोडक्शन में कहा कि युवाओं के हरदिल अजीज, कुछ लोग प्यार भी करते हैं, कुछ लोग नफ़रत भी करते हैं, कुछ लोग जो है गालियाँ भी देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत भी करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हमसे गुस्सा करके, हमसे नफरत करके उनके जीवन के मसले हल हो जाएंगे, उनके जीवन के मसले हल नहीं होंगे, उनकी सिर्फ परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि वो जिन चीज़ों से जूझ रहे हैं और हम जिन चीज़ों से जो जूझ रहे हैं, हमारी समस्याएं एक हैं, तो इस नफरत को भुला करके हमको एकजुट होने का प्रयास करना। आपने कहा कि आर्थिक मुद्दों को पीछे करने के लिए भाजपा के द्वारा या जो अभी मौजूदा निजाम है
वो सांप्रदायिकता का और फांसीवादी तौर तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। क्या आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, सबको रोजगार मिल जाए, कारखाने बंद ना हो, जीडीपी बढ़ जाए, तो हमारी शिकायत खत्म हो जाएगी क्या? क्या ये सिर्फ आर्थिक नाकामियों या आर्थिक लूट को छिपाने के लिए सांप्रदायिकता जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, या इनका ये मूल चरित्र है और मूल एजेंडा ही ये है कि ये खास धार्मिक समूह और कुछ खास जातियों के लिए सारा निजाम इस्तेमाल किया जाए? देखिए, इसमें मसला ये है कि कई बार ये इतना गुत्थम गुत्था होता है आपस में कि इसको अलग करना मुश्किल होता है। जहां कहीं भी अर्थव्यवस्था पे जब कोई सरकार विफल होती है तो इस तरह की जो प्रतिक्रियावादी राजनीति है वो सर उठाती है, और इस तरह की प्रतिक्रियावादी राजनीति करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके पास कोई विजन नहीं होता है सबको एक बेहतर आर्थिक स्थिति प्रदान करने का, इसलिए अर्थव्यवस्था में ये नाकामियां उत्पन्न होती हैं। तो ये आपस में बहुत जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल अलग नहीं। मसलन आप ये देखिए कि भाजपा से पहले की जो सरकारें थीं उन्होंने जातिवाद, सांप्रदायिकता, इन सवालों को ठीक से टैकल नहीं किया। साथ ही साथ जब वो अर्थव्यवस्था पर भी विफल होने लगे तो जातिवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टी को ये अवसर मिल गया कि वो सत्ता पे काबिज हो जाए, और जब वो आज सत्ता पे काबिज हो गए हैं तो हम कहते हैं ना कि जितना दूर हम चले थे, जितना जाति को खत्म करने का और तोड़ने का प्रयास किया गया, जितना इस देश को सेकुलर बनाने का और सांप्रदायिक प्रतिक्रियावादी राजनीति को कमजोर करने का प्रयास किया गया था, आज उन प्रयासों को भी पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब यह है कि नए भारत के नाम पर जो पुराने भारत की अच्छी चीजें थी उनको भी समाप्त किया जा रहा है। कहते हैं ना कि आप नहाने के पानी के साथ बच्चे को भी उठा करके फेंक देना। ये नहीं कह रहे हैं कि देश में पहले से कोई समस्या नहीं थी, देश में पहले से गरीबी थी, देश में पहले से असमानता थी, देश में पहले से जातिवाद था, देश में पहले से सांप्रदायिकता थी, लेकिन आर्थिक स्तर पर जब कोई सरकार विफल होती है, जब उसके नारे खोखले साबित होने लगते हैं, जैसे कल्याणकारी राज्य, जब ये दावे खोखले होने लगते हैं तो इस तरह की प्रतिक्रियावादी राजनीति मजबूत। बहुत बढ़िया। तो हम अपने दर्शकों को एक पॉजिटिव नोट के साथ अपनी बातचीत को खत्म करना चाहेंगे। तो आप हमें बताएं कि ये जो हालात है, सूरत हाल है, ये काफी निराशाजनक है, चिंताजनक भी है। अब जो युवा है वो आपकी तरफ बहुत आशा से देख रहा है और वो मानता है कि आप कोई रास्ता दिखाएंगे इस देश के युवा को। आप एक, मैंने बहुत सारे लोग हैं लेकिन आप एक महत्वपूर्ण उसमें नाम है, तो आगे क्या करने का आपका इरादा है, कैसे इस हालात से देश को निकालने में आप अपना योगदान करेंगे या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे किसी भी तरीके का हीरोइज्म में भरोसा नहीं, और मेरे पास अलादीन का चिराग भी नहीं कि मैं घुमाऊं और हर समस्या को ठीक कर दूं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हर निराशा में उम्मीद की एक किरण होती है। ऐसा माहौल जो देश में पैदा हुआ है उसमें एक अच्छी चीज ये हुई है कि तमाम लोग जो अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं देश के अलग अलग कोनों में, आज कहीं ना कहीं वो आपस में जुड़ रहे हैं, और जब वो आपस में जुड़ रहे हैं लोग साथ आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि अंग्रेज अगर नहीं आते तो भारत देश आज जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में नहीं होता। तो अंग्रेज आए तो नहीं थे भारत को बनाने के लिए, वो तो भारत को लूटने के लिए आए थे, लेकिन वो भारत को बना करके भी गए हैं। तो उसी तरह से ये आए हैं भारत को बर्बाद करने के लिए, लेकिन जो लड़ने वाली शक्तियां हैं ये उनको इकट्ठा भी कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात है। कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि लोग नाउम्मीद हैं। लोगों के भीतर एक उम्मीद आशा कायम है, उस उम्मीद और आशा को और मजबूत करने की जरूरत। सब लोग जो अपने अपने हिस्से की लड़ाई अलग अलग कोनों में लड़ रहे हैं, अपनी अंतर विरोधों को, अपनी मत भिन्नताओं को भुला करके
कैसे हम एकत्रित हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं इस देश को का नव निर्माण करने में, उस तरफ हम लोगों को पहल करनी चाहिए। मैं भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ बतौर नागरिक। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं कोई बड़ा अवतार हूँ या कोई हीरो हूँ, ऐसा नहीं मैं समझता हूँ। हमारी तरह ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों नौजवान हैं जो मीडिया में नहीं आते हैं, सोशल मीडिया में नहीं आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके लड़ने का महत्व नहीं है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा और बाकी लोगों का लड़ना है। तो इस उम्मीद के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए कि वक्त कैसा भी हो बीत जाता है, जब वो वक्त बीत गया तो ये वक्त भी बीत जाएगा, नशा कैसा भी हो उतर जाता है, ये भी उतर जाएगा। लेकिन जब नशा उतरेगा तो हम काम क्या करेंगे, जब इनको हम हटा देंगे तो हम उसकी जगह पे क्या लाएंगे? क्या हम सिर्फ हम फिर वही पुरानी व्यवस्था लाएं कि जो है नेता का बेटा नेता हो, क्या फिर वही से जो है भ्रष्टाचार हो? नहीं, पिछली गलतियों से हम सीख लेंगे कि आप भेड़ियों से लड़ते लड़ते आप जो है खतरनाक शेर के मांद में ना घुस जाएं, इस बात का भी आपको सीख लेना चाहिए। साथ ही साथ कि आपके पास एक पॉजिटिव एजेंडा होना चाहिए, और पॉजिटिव एजेंडा के लिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे पास अगर सबसे कोई रेफरेंस पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इस देश का संविधान, कि हम नागरिकता में भरोसा करें। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। और इस लड़ाई में, इस साझी लड़ाई में, साझी लड़ाई साझी विरासत में हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि लड़ाई ईमानदार होगी तो परिणाम भी बेहतर।